आज के इस मेला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सम्मानीय श्री चंद्रपाल सिंह जी यादव, हमारे बड़े भाई कालपी विधायक आदरणीय विनोद चतुर्वेदी जी, हमारे बड़े भाई मन्नूलाल जी जो राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इस नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शशि श्रीवास, प्रागीलाल जी, हमारे अशोक गिरी जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, और बहुत से लोग मंच पर बैठे हैं। अगर नाम लूंगा तो आप लोग हमारा पोता भी बोल सकते हो, इसलिए हम अपना कम समय में अपनी बात रखेंगे। वैसे हम इस मंच से अब घबराते हैं, क्योंकि मेला ग्राउंड में पहली बार जब हमारी अध्यक्ष बन के आई थी उस समय हमने जो भाषण दिया था तो उसके बदले में एक परिवार का बेटा यहाँ से गया तो घर पे बहुत रोया कि वहां पर ब्रजेश पाठक ने बहुत अपमान किया, और उसके बदले में हमें 376 मिली, और इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। 752 भी लग जाए तो हम कम नहीं है, इसलिए हम अपनी बात कम समय में खत्म कर देंगे। आज मेला आपने देखा होगा, 22 साल के बाद जो मेला का स्वरूप दिखा है वो आपको लगा होगा कि बदला हुआ है। एक आतंक और भय से आप लोगों ने मुक्ति दिलाई, और आज मेला का जो आपने स्वरूप देखा है शायद 22 साल में कभी नहीं देखा है। हमारे विनोद भाई साहब ने कहा है, विधायक जी ने, कि वो परमेश यहाँ का नगर पालिका का अध्यक्ष बनना चाहते थे। हम ये कह रहे थे उनको 100 साल का पक्का नहीं था कि वो लगातार 100 साल तक जीतते रहते, लेकिन आप लोगों ने अच्छी तरह से धुना है, अच्छी तरह से धुना है। उन्हें बहुत बहुत घमंड था, पैसे से, ताकत से, सत्ता से हम चुनाव जीत लेंगे, लेकिन आप लोगों ने अपने आशीर्वाद से अच्छी तरह से धुना है। और हम एक चीज आप लोगों के सामने कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। ना तो हमारा राजीनामा हुआ, हमारे ऊपर आरोप लगता है, आज इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर आरोप लगता है ना, जब तो कहते हैं हमने नहीं लिखाया, फिर कहते हैं उमा भारती ने लिखाया, ब्रजेश पाठक लोकसभा के प्रत्याशी थे, फिर कहते हैं पीएनसी वालों ने लिखाया, उनने सड़क नहीं बनने दी है, फिर कहते हैं अनुराग शर्मा ने लिखाया, उनसे उनका विवाद चल रहा था, अब कहने लगे कि हमारा राजीनामा हो गया, यहाँ किसी के पास क्लब भी आ गई कि कल नेताजी के हमारा राजीनामा हो गया। आप लोग विश्वास करो, नेताजी से बड़ा इस बुंदेलखंड में कोई नेता नहीं है, और आपके सामने खड़े हैं, वो आपके सामने बैठे हैं, उनसे जब पूछो कि नेताजी जब आप सत्ता में थे तब वो आपके पास थे, तब ब्रजेश पाठक ने कभी राजीनामा का ऑफर भेजा है क्या? कभी नहीं भेजा, और ना भेजूंगा, मौत हो जाए। और यहाँ तक इस सरकार में ब्राह्मण तो रोज मरते हैं और रोज जेल जाते हैं, तो उस कड़ी में एक ब्रजेश पाठक भी जेल जाने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। इसलिए हम कम समय में अपनी बात को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको किसी चीज का इंतजार है, और इंतजार बहुत बुरा होता है, हमको भी पता है, हमने कभी कभी इंतजार किया है, इसलिए हम जानते हैं कि इंतजार बहुत बुरा होता है। बस इसी के साथ अपने शब्द समाप्त करते हैं। नमस्कार।